वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 मई 2022, और 24 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। टूडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 मई 2022, आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यस्टरडे रिवीजन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? वो बनाई है चाइना ने। हाल ही में नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? ये किया है माउंट एवरेस्ट पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है निर्मला सीतारमण ने। हाल में किस संगठन ने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ये किया है एरोस्पेस ने। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? तो वो दी है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य में क्या सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क और खनन निर्यात को मंजूरी दे दी है। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हाल ही में किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने? उड़ीसा ने जीता है, और उड़ीसा ने किसको हरा दिया? कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है। देखो, उड़ीसा महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक को हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखना, किसने जीता है? उड़ीसा ने खिताब जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बन चुके हैं विवेक कुमार। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी, विवेक कुमार। देखो, प्रधानमंत्री मोदी को IFS विवेक कुमार ने अपने नए निजी सचिव के रूप में मिले हैं। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने PM मोदी के प्रेस सचिव के रूप में विवेक कुमार के नामांकन को स्वीकार कर लिया गया है, और विवेक कुमार संजीव कुमार सिंगला से PM मोदी के निजी सचिव का ये पद संभालेंगे। तो पहले कौन थे? संजीव कुमार सिंगला, और अभी विवेक कुमार को नए निजी सचिव के रूप में मोदी जी के नियुक्त के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। किसके चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के। देखो, ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता कौन थे? एंथनी अल्बनीज ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही एंथोनी अल्बनीज ने देश के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। लिबरल नेशनल गठबंधन का नेतृत्व कर रहे नई वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हार मान ली है। तो ये किसने हार मान ली? स्कॉट मॉरिसन ने। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं एंथनी अल्बनीज, जो है वही 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में रेडबुल में स्पेसनिस ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टपैन ने। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेडबुल में स्पेसनिस ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टपैन ने। देखो, मुख्य तथ्य, फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टपैन ने रेडबुल में स्पेसनिस ग्रांड प्रिक्स जीतकर फेरारी के चार्ल्स लेक्लर से शीर्ष पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और मैक्सिकन सर्जियो पेरेज
13 सेकंड पीछे ये दूसरे स्थान पर रहे थे। तो 13 सेकंड पीछे ये मैक्सिन सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर है और मैक्स वर्स्टापेन ने क्या है ये ग्रांड स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स का खिताब है जीता है। अगला देखो, हाल में किसने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में 2022 में दूसरी बार मैक्सन कार्लसन को हराया है। तो आपको पता ही है भारतीय जो एक हमारे शतरंज टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं वो हैं आर प्रज्ञानंदा ने क्या है अब की बार दूसरी बार क्या है विश्व के नंबर वन खिलाड़ी कौन थे मैक्स कार्लसन उनको हराया है अब की बार दूसरी बार हरा दिया है और उन्होंने क्या है इस 2022 में दूसरी बार मैक्स कार्लसन को हराया है आर प्रज्ञानंदा ने। देखो भारतीय जीएम प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन मैग्नसन कार्लसन पर 3 महीने में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है जब उन्होंने चेसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में नॉर्वेजियन को चौंका दिया है। 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने फरवरी में पहली बार ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में एयरथिंग्स मास्टर मैग्नसन कार्लसन को हराया था। तो फरवरी में आपको मैंने क्वेश्चन बताया था फरवरी में इसको हरा दिया और अब की बार दूसरी बार इनको एक बार इसमें फिर हरा दिया है। नेक्स्ट देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 4th संस्करण शुरू हुआ है। तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच है भारत और बांग्लादेश के बीच नेवी कोऑर्डिनेटेड का पेट्रोल का 4th संस्करण शुरू हुआ है। देखो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 4th संस्करण शुरू हुआ है। गश्ती अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ और ये 22 से 23 मई के बीच जारी रहेगा। तो 22 और 23 मई के बीच जारी रहेगा। पिछला IBN कॉर्पोरेट अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। तो अक्टूबर 2020 में इसका आयोजन किया गया। अभी इसका 4th संस्करण कहाँ पर हुआ है गश्ती अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ये शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है ऑप्शन नंबर एक धर्मेंद्र प्रधान। देखो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया। अपनी टिप्पणी में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सम्मेलन उद्योग शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच संबंधों को बढ़ाया जाएगा। तो हमारे केंद्रीय और शिक्षा कौशल मंत्री कौन है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने गुवाहाटी असम में क्या है नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में पेटीएम के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो एक बार फिर से नए पेटीएम के MD और CEO बन चुके हैं विजय शेखर शर्मा। कौन बन चुके हैं विजय शेखर शर्मा पेटीएम के नए MD और CEO बन चुके हैं। देखो विजय शेखर शर्मा को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए पेटीएम प्रबंध निदेशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2027 तक रहेगा। तब ये 2027 तक ये CEO रहेंगे। पेटीएम की स्थापना कब हुई अगस्त 2010 में और पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है नोएडा उत्तर प्रदेश में पेटीएम का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2010 में हुई और अभी CEO के रूप में नियुक्त किया जा चुका है विजय शेखर शर्मा को। नेक्स्ट देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 मनाया गया है 22 मई को। कब बनाया गया है ऑप्शन नंबर एक 22 मई को। देखो जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और अब की बार इसकी थीम क्या है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। क्या है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण 2020 की इसकी मुख्य थीम रही है और 22 मई को क्या है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंजलि पांडे को CLCEXCON को कमिटेड लीडर अवार्ड से किस शहर में सम्मानित किया गया है। किसको अंजलि पांडे को और वो सम्मानित किया गया है बेंगलुरु शहर में। किसमें सम्मानित किया गया है बेंगलुरु शहर में इनको क्या है अंजलि पांडे को CLXCON कमिटेड लीडर अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, कमिंस इंडिया में इंजन और कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर अंजलि पांडे को अधिक विविध न्याय संगत और समावेशी कार्यस्थल बनाने के उनके प्रयासों के लिए बेंगलुरु में CLXCON 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आप ध्यान रखना, क्या नाम इनका, तो इनका ध्यान रखना अंजलि पांडे को इनको बेंगलुरु में सम्मानित किया गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन,
हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिल्ली योजना शुरू की है? वो की है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, उनके द्वारा लोक मिल्ली योजना शुरू की गई है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए। हाल में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? गोवा, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यस्टरडे डोज क्या थी। लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ध्यान रखना स्वेज नहर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? वो है प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीनों महाद्वीपों को छूती है, वो है भूमध्य सागर, जो तीन महाद्वीपों को छूती है। और पांचों के पांचों जवाब बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। अब आगे पॉलिटिकल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आज मैंने पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपको दे दिए, अब आपको पॉलिटिकल है कई दिनों के लिए पॉलिटिकल चलेगी, साथ साथ पॉलिटिकल भी हमें तैयार करनी है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक PDF नहीं खरीदी है, चाहे राजस्थान की चाहिए चाहे इंडिया की चाहिए, सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 8239355343 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको इसकी PDF है मिल जाएगी, इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आज शाम आठ बजे आपको मिलेगा विश्व यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास। आपको शाम 8 बजे आप तैयार रहना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको मिलेगी सभी एग्जामों के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लगातार आपको सारी क्लासें धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।